हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे सब लोग आप? आई होप यू मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड वेरी फाइन ओवर देयर। हम बढ़ने वाले अगले लेसन की तरफ एंड द नेक्स्ट लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज थ्री क्वेश्चंस व्हिच इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। And before going to the story, I must confess you one thing, ki there are two things which have changed my life considerably. And these two stories are there. Ek story to aap jante hain, that is, this will change. Okay, aapko bhi bahut jald bataunga main. Aur dusri story jo hai, that is also very important, and that is three questions. So these two stories, they have made a deep impact on what I think, what I do. Okay, so I owe whatever I am to these two things. So ye jo story hai, ye bahut valuable hai, bahut important hai. Okay, so let's see what is there in the story. So I'll tell you the story first, which will help you to understand the lesson better. Okay, so story kya hai? स्टोरी है, इट इज द स्टोरी ऑफ अ किंग। एक किंग होता है एंड ही हैज सर्टन आइडिया इन हिज माइंड। उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, उसको स्ट्रांग बनना है, उसको और पावरफुल बनना है, और उसको ये समझ में आता है कि उसको पावरफुल बनना है तो ही मस्ट नो थ्री थिंग्स। तीन चीजें उसको पता होनी चाहिए, और वो तीन चीजें हैं कि कोई भी काम करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आता है, जो उसको लगता है कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेकेंड थिंग। ओके, कौन सा काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। एंड थर्ड थिंग इज उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम। ये तीन क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? सबसे सही समय, सबसे जरूरी काम और सबसे जरूरी इंसान। ओके, ये तीन क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। ही वांट्स टू फाइंड द आंसर्स। और उसको लगता है कि अगर ये तीन क्वेश्चन के सही जवाब उसको मिले तो ही विल रूल द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया पे वो राज करेगा, ऐसा उसको लगता है। और इसीलिए वो तीन सवाल ढूंढने के पीछे पड़ जाता है एंड अकॉर्डिंगली वो डिक्लेयर कर देता है पूरे किंगडम में कि मुझे तीन सवालों के जवाब चाहिए। और जो भी ये जवाब देगा और वो सेटिस्फैक्ट्री जॉब अगर रहे तो मैं तुम लोगों को अवार्ड्स दूंगा, ऐसा वो सब लोगों को बताता है। हेरोल्ड वगैरह गांव में, ऐसा गांव में दौंडी वगैरह हम बोलते हैं गांव में उसको, तो ऐसा बजा के सबको बोल देता है कि ऐसे ऐसे तीन क्वेश्चंस है, अन्य जो कोनी ये तीन सवालों के जवाब देगा उसको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा राजा बताता है। तो ये तीन सवालों के जवाब में ना लोग आते अपने अपने जवाब लेके। जैसे पहला क्वेश्चन है, सही समय कौन सा है। सम पीपल से कि बेस्ट वे टू मेक अ टाइम टेबल, एक सही टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप फिर अपना सेटिंग कर सकते हैं, फिर करो ऐसे करना है। कुछ लोग बोलते हैं टाइम टेबल करेंगे ये तो राजा है, राजा कैसे टाइम टेबल फॉलो करेगा, उसको तो बहुत सारे काम होते हैं, अचानक से कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो टाइम टेबल कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दिन का ये समय सही होता है, सुबह सुबह सब काम करना चाहिए, राजा को पसंद नहीं आता। तीसरा बोलता है नहीं नहीं देखो ग्रह नक्षत्रों के सारे चाल होते हैं, तारे होते हैं, घूमने घूमते रहते हैं, उनकी चाल पहचान के समय समय पर वो जज करना चाहिए, मतलब सब ग्रह नक्षत्रों के ऊपर निर्भर करना चाहिए, ऐसा कोई कहता है। कोई कहता है कि ये दिन अच्छा होता है, कोई दिन कोई बोलता है वो दिन अच्छा होता है। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दिस आंसर्स। उसको कोई भी आंसर पसंद नहीं आता, तो ही रिजेक्ट्स ऑल द आंसर्स। तो दूसरा सवाल जो होता है कि सबसे जरूरी काम कौन सा होता है, तो
तो कोई कहता है कि सबसे जरूरी काम राजा के लिए होता है न्याय देना, लेजिस्लेशन, उसने सही चुनाव न्याय का करना चाहिए। कोई कहता है लड़ाई करना राजा के लिए सबसे जरूरी काम होता है। कोई कहता है प्रजा की सेवा करना सबसे जरूरी काम होता है। कोई करता है शिकार करना, वगैरह वगैरह, हर कोई ऐसे आता है। बट कोई भी ऐसा जवाब राजा के दिमाग में बैठता नहीं, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। फिर तीसरे सवाल को भी ऐसे ही लोग आके जवाब देते हैं। तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था सबसे जरूरी इंसान कौन है, किसकी मैंने सुनना चाहिए। तो कुछ लोग आके उस सवाल के जवाब में कहते हैं कि तुमको सबसे ज़्यादा तुम्हारे प्रधानमंत्री का सुनना चाहिए क्योंकि वो तुमको अच्छी राय देता है। कोई कहता है कि सबसे ज़रूरी इंसान तुम्हारे लिए सेनापति है क्योंकि वो लड़ाई करता है, लड़ाई करते करने की वजह से अपना राज्य सुरक्षित रहता है, तो उसका सुनना चाहिए। फिर कोई रहते ऐसे चापलूस, वो बोलते हैं नहीं तुमने क्वीन की सुनना चाहिए, क्वीन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वीन खुश तो तुम खुश, तुम खुश तो हम खुश, हम खुश तो सब खुश। तो ऐसे अलग अलग जवाब देता है। कोई कहता है कि डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई कहता है कि पूजा करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही भगवान को प्रसन्न करता है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन राजा का किसी भी जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो वो बेचारा परेशान है। उतने में उसके पास एक मेरे जैसा समझदार आदमी आ जाता है उसके पास, और उसको आके वो बोलता है कि देखो तुमको ये सारे सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है, तो तुमने क्या करना है, तुम एक हर्मिट है, एक सन्यासी है, उस सन्यासी के पास जाओ। वो सन्यासी बहुत ज्ञानी है, उसको सब चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, तुम उसके पास जाओ, वो तुमको सारे सवालों के जवाब देगा। ऐसे कहता है, बोलते ये सवाल के जवाब सही तरीके से पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो कहता है तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सन्यासी है वो राजा वाजा ये नहीं मानता, ही ओनली लव्स द कॉमन फोल्क्स, आम आदमी बोल के उसके पास जाना पड़ेगा तुमको। तुमको राजा बन के जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो तुमको सवालों के जवाब नहीं देगा, तुमको आम आदमी बन के जाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। राजा सोचता है ये सवाल के जवाब पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तो ये भी चलेगा, ठीक है। और फिर राजा डिसाइड करता है कि जो जंगल में वहां पे रहता है साधु महाराज, सन्यासी हर्मिट रहता है, he decides to go there। अब जाता है, फिर जंगल में एंट्री करने से पहले वो अपने सारे जो बॉडीगार्ड्स सलमान खान वगैरह होते हैं उन सबको वहीं पे छोड़ता है, अपने राजवस्त्र उतारता है, सादे कपड़े पहनता है और एक आम आदमी बन के वो आगे जाता है पैदल पैदल, अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख के निशस्त्र होके वो आगे बढ़ता है और जाता है वो कुटिया के पास। वहां पे जंगल के मध्य में वो कुटिया रखी, कुटिया रहती है जिसके अंदर वो हर्मिट रहता है। तो राजा जाता है, देखता है वो हर्मिट की तरफ, तो देखता है कि वो हर्मिट कुछ खोद रहा है, बेड्स बना रहा है, मतलब कुछ और कालवा बोलते मराठी में, आड़ा ऐसा बोलते हैं, ओके। तो वो कुछ बोने के लिए, बीज बोने के लिए जमीन बनाता हुआ रहता, काफी बुढ़ा रहता है, सफेद दाढ़ी, ऐसा डाई नहीं करता हो, सफेद दाढ़ी रहती, लंबी दाढ़ी सी रहती। तो वो सन्यासी वहां पे रहता है। राजा देखता है सन्यासी के पास, जाता है उसके पास और हाथ जोड़ के कहता है कि सन्यासी महाराज, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं, तो कृपा करके मुझे ना आप मेरे तीन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दो, अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा वो सन्यासी को कहता है और कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सबसे उचित समय कौन सा होता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे जरूरी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। और तीसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे लिए कौन सा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तीन सवालों के जवाब कृपा करके आप मुझे दे दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
सन्यासी उसकी तरफ देखता है और अपने हाथों पे ऐसा थूकता है और खोदने लग जाता है। अब राजा बोलता है कि इसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो ये भी देखता है कि राजा वो सन्यासी बहुत बूढ़ा है और वो कुछ काम कर रहा है और थक रहा है। ये देखने के बाद राजा खुद आगे बढ़ता है और उसके हाथ से वो स्पेड लेता है, फावड़ा लेता है, कुदाल बोलते हैं मराठी में उसको, ओके, वो लेता है और वो लेकर खोदने लग जाता है। फिर वो सन्यासी बाजू में बैठ जाता है और खोदता है खोदता है खोदता है। ऐसे टोटल दो बेड बनाने के बाद, दो फ्लावर बेड्स बनाने के बाद राजा फिर से कहता है कि महाराज क्या मुझे आप मेरे दो सवाल तीन सवालों के जवाब देंगे, थ्री क्वेश्चन है मेरे, जवाब दो। तब सन्यासी महाराज कुछ नहीं बोलते, उठते हैं, उसके हाथ से फावड़ा लेते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। राजा बोलता है नहीं नहीं तुम आप मत खोदो, मैं खोदता हूँ, आप थके हुए हो। तो राजा उसके हाथ से फिर से लेता है, सन्यासी उसको बोलता है थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, और राजा फिर से खोदने लग जाता है। अब यही सिलसिला कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। राजा जब भी रुकता है, सन्यासी को बोलता है कि तीन सवालों के जवाब, तो सन्यासी फौड़ा लेने लग जाता। फिर राजा बोलता है नहीं रहने दो तुम, मैं खोदता। तो ऐसा ही समय बीतता रहता है और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। और तब राजा, अब उसके अंदर की थोड़ा सा राजानेस जो है ना, वो जागने लग जाता है। तो वो बोलता है कि महाराज देखो अब तो शाम होने आई, आप मेरे तीन सवालों के जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे, मुझे उन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तब उतने में एक आदमी वहां से भागते भागते आता है। वो आदमी जो आता रहता है उसने अपना हाथ ऐसा पकड़ा हुआ है पीठ को, और वो ऐसा कस के पकड़ा हुआ है और भागते 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 आ रहा है। और भागते भागते जब आ रहा है तो इधर उधर ऐसा डुलते हुए आ रहा है, उसको प्रॉपरली चलने नहीं आ रहा है। और वो देखते हैं कि वो जहाँ पे उसने हाथ पकड़ा है वहां से बहुत सारा खून बह रहा है, खून से लथपथ वो दौड़ता हुआ आ रहा है। और राजा जब बोलता है कि महाराज बताओ मेरे सवालों के जवाब, तब सन्यासी राजा को बोलता है अरे वो देखो कौन आ रहा है, क्या हो गया उसको, देखो देखो, वो ऐसा कहता है। तो वो देखते दोनों, वो वहीं पे रास्ते पे गिर जाता है वो आदमी। अब ये दोनों जाते हैं, राजा बोलता है अरे इसका बहुत खून बह रहा है, उठाओ इसको। उसको उठाते कुटे में लेके जाते हैं, वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, बहुत सारा खून उसका बहा है। फिर महाराज बोलता है कि इसका इलाज करना पड़ेगा, तो मैं जंगल में जाके कुछ दवाइयां लेके आता हूँ, तब तक तुम क्या करो, तुम्हारा कपड़ा बांधो इसको, जहां से खून आ रहा है अभी कपड़ा बांधो ताकि ज्यादा खून ना बहे। तो राजा अपना कपड़ा निकालता है और उसको बांधता है। फिर ये सन्यासी जाता है और जाके कुछ जड़ी बूटी लेके आता है, जड़ी बूटी उसके जख्म पे लगाते हैं तो वो बांधते हैं और उसका खून बहना बंद हो जाता है। जैसे उसका खून बहना बंद हो जाता है उसको होश आ जाता है और वो ऐसा दिखता है और कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद वो आदमी फिर से आंखें बंद करता है, सो जाता है। अब उसके सोने के बाद अब रात हो चुकी है, तो राजा बोलता है कि अब मैं जाऊं क्या। तब सन्यासी उसको बोलता है अब तो रात हो चुकी है, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम कैसे जाओगे, और जंगल में तुमको मालूम है जंगली जानवर है,
वो तुम पे हमला करेंगे, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो एक काम करो तुम रुक जाओ, आज आज यहीं पे रुको, कल चले जाना। तो राजा बोलता है ठीक है, वो भी थका हुआ रहता है। और राजा वहाँ पे चौखट के पास बैठता है, चौखट के पास बैठता है और वो इतना थका हुआ रहता है कि उसको उधर ही नींद आ जाती, वहीं पे सो जाता हो। अब राजा ने जीवन में इतना काम कभी किया नहीं ना, एक तो इतना दूर आया और आके दिन भर खोदने का काम किया और ये सब आदमी की सेवा की, तो इतना सब करने की वजह से वो थक जाता है, थक के जहां पे बैठता है वहीं पे सो जाता है, उसको नींद लग जाती। अगले दिन सुबह जब राजा की नींद खुलती, तब वो जो आदमी है कल जो जख्मी था वो राजा के सामने बैठा हुआ है और वो आदमी उसकी तरफ इस तरह से टुकुर टुकुर देख रहा है। राजा उसकी तरफ देखता है तो वैसे जैसे ही राजा की आंखें खुलती है वो आदमी ऐसा हाथ जोड़ के बोलते महाराज मुझे माफ करो, महाराज मुझे माफ करो। राजा बोलते ये कौन सा आदमी है, ये तो अनजाना आदमी है, मैं इसको पहचानता भी नहीं और ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, क्या किया मैंने ऐसा जिसकी वजह से माफी मांग रहा है, इसने क्या किया है मेरे साथ। तो वो कहता है कि पहले मुझे बोलो कि आपने मुझे माफ कर दिया, तब मैं जाके कहीं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों आपसे माफी मांग रहा हूं। अच्छा बोलते ठीक है माफ कर दिया। तो बताता है देखिए मैंने आपको मारने की कोशिश की। हाँ ये कब हुआ? बोला देखिए एक्चुअली मेरा भाई जो है आपका बॉडीगार्ड था और आपके पास काम करता था, आपको सब कुछ मानता था, लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसने कुछ गलती की और उस गलती की वजह से आपने उसको सजा दे दी, सजा के दे दे एग्जीक्यूट किया मतलब फांसी पे चढ़ा दिया और उसकी वजह से उसके बीवी बच्चे सब अनाथ हो गए और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला जो भाई आपको इतना सब कुछ मानता था उसने आप उसको आपने फांसी चढ़ा दी, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई की मौत का बदला लूंगा और उसके लिए मैं कोशिश करने लग गया। फिर मैं मौके की तलाश में था कि कब आप मुझे मिलेंगे, हमेशा तो आप बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं और आप पे हमला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आप भी आपके पास भी शस्त्र होते हैं, आपके बॉडीगार्ड्स के पास होते हैं, तो आप पे हमला करना मुश्किल था, तो मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि कब ऐसा मौका आए और मैं तुम पे हमला करूं और आज ऐसा मौका मुझे मिला। मैंने देखा कि आप जंगल में आ रहे, अकेले आ रहे और सारे शस्त्र अपने रख दिए हैं, सारे बॉडीगार्ड्स रख छोड़ दिए, तो मैंने देखा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम बदला लेते हैं। तो मैं आपके पीछे पीछे आया, मैं एक जगह पे छुप के बैठा और इंतजार करने लग गया कि कब आप ये सन्यासी महाराज के पास से आएंगे और मैं आपको ख़त्म करूं। मैं छुप के बैठा वहाँ पे, आपके आने का इंतज़ार कर रहा था पर आप आए नहीं। मैं वेट करता रहा, शाम हो गई तो मैं बेचैन हो गया, बोला हुआ क्या, आ क्यों नहीं रहे महाराज। तो फिर मैं मेरे छुपने की जगह से बाहर आया, जब मैं छुपने की जगह से बाहर आया, एम्बुश की जगह से बाहर आया, तब मैंने देखा कि आपके गार्ड्स भी आ रहे, बॉडीगार्ड्स भी आ रहे। आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देखा, मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे यहाँ पे मारा। मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे भागा और फिर देखा आपने मेरी सेवा की, आपने और सन्यासी महाराज ने मिलकर मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं मर जाता। आपने मेरी सेवा की, आपकी वजह से आज मैं जो भी हूँ जिंदा हूँ और यहाँ से आगे मैं आपका बॉडीगार्ड बनूंगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी आपकी सेवा में रहेंगे क्योंकि ये जिंदगी आपकी मुझ पर उदार है। राजा खुश हो जाता है
उसको लगता है कि ऐसा आदमी जो मेरी जान लेना चाहता था मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तो बोलता है ठीक है तुम पहले तुम्हारा इलाज कराएंगे और फिर तुमको बॉडीगार्ड बनाएंगे, और कहते कि तुम्हारी जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी मैंने जब्त की थी, तुम्हारे भाई की प्रॉपर्टी जब्त की थी, तो वो मैं तुमको वापस कर देता हूँ, ऐसा कहता है और उसको अपने लोगों के साथ भेज देता है। अब सुबह वो फिर से सन्यासी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि गुड बाय कहना है, वो सन्यासी के पास जाता है। सन्यासी से जाके वो कहता है कि देखो महाराज, मैं सोच के आया था कि 3 सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, ये मेरी सोच थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे 3 सवालों के जवाब आपके पास है, तो मुझे जाने की आज्ञा देना। तो सन्यासी कहते हैं उनको कि पर तुमको तो तुम्हारे 3 सवालों के जवाब मिल गए, मैंने जवाब दे दिया तुमको। अब राजा को समझ में नहीं आता कि 3 सवालों के जवाब उसको मिले कब, तो कैसे? देखो तुम सोचो थोड़ा, तुम्हारा सवाल क्या था कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा होता है? तो तुम आए, राइट? जब तुम आए वो टाइम बहुत जरूरी था, वही समय जरूरी था, क्योंकि देखो अगर तुम आते, मैंने तुमको 3 सवालों का जवाब दे दिया होता तो तुम यहां से चले जाते, तो क्या होता? ये आदमी छुप के बैठा था, और मैं जानता हूं कि तुम राजा हो, इतना समझता है मुझे, इतना ज्ञान है मुझे, तो ये छुप के बैठा था और वो आदमी तुमको मार देता, तुम मर जाते, तो वो समय जो तुमने मेरे साथ बिताया बहुत जरूरी था। मैंने तुमको खोदने लगाया, यहां पे लटका के रखा, मेरे साथ समय बिताया, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। फिर उसके बाद वो आदमी आया, तुमने वो आदमी की सेवा की, उस आदमी के साथ समय बिताया, वो भी समय बहुत जरूरी था, और इसकी वजह से हुआ क्या कि वो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त, दोस्त ने बॉडीगार्ड बन गया, तो वो समय जरूरी था। अब दूसरा सवाल जो तुमने पूछा था वो था कि सबसे जरूरी काम कौन सा होता है। देखो तुम घर से निकले तो तुम क्या करने के लिए निकले थे? तुम तुम्हारे 3 सवालों का जवाब ढूंढने निकले थे। उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम वो था, 3 सवालों का जवाब ढूंढना, और वो जवाब ढूंढने के लिए तुम निकले, सब छोड़ छाड़ के निकले, वो सबसे जरूरी काम था। फिर तुम आए मेरे पास, मैंने तुमको काम पे लगा दिया, उस वक्त तुमको खोदना जरूरी था, तुम खोदते रहे, क्योंकि वो नहीं खोते तो मर जाते, उस वक्त वो काम करना जरूरी था। फिर तुमने वो आदमी की सेवा की, तब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम क्या था? वो आदमी की सेवा करना है ना, जिसकी वजह से तुम्हारा एक दुश्मन दोस्त बन गया, राइट? तो उस वक्त तुमने वो काम को इंपॉर्टेंस दिया। तीसरा सवाल तुम्हारा क्या था कि सबसे जरूरी आदमी कौन है? अब देखो फिर से, तुम राजपाट सब छोड़ के आए, किसके लिए? मेरे लिए। तो तुम्हारे सबसे जरूरी इंसान कौन था? मैं था, राइट? उसके बाद तुम यहां पे काम किए, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जरूरी था, है ना, क्योंकि मुझसे तुमको जवाब चाहिए थे, राइट? फिर तीसरा, वो आदमी की सेवा की, तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या था? वो आदमी, बराबर है? तो यही तुम्हारे सवाल के जवाब है। राजा को थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि थोड़ा सा और बताएंगे क्लियरली क्या कहना है। तो वो कहता है देखो, ऐसा कोई समय नहीं है जो सबसे अच्छा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सबसे जरूरी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सी, सबसे अच्छा समय होता है नाउ, ध्यान में रखना है,
सबसे जरूरी समय होता है नाउ, क्योंकि आपका अधिकार सिर्फ नाउ पे होता है, इस वक्त पे होता है, इस घड़ी पे होता है। ओके, क्योंकि जो तुम कर सकते हो नाउ में कर सकते हो, अब में कर सकते हो, इस वक्त में कर सकते हो, और उसको तुमने शत प्रतिशत जीना जरूरी है। दूसरा सबसे जरूरी काम, सबसे जरूरी काम वो होता है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। अगर तुम पूरी तरह से फोकस करके पूरा ध्यान उसमें लगा के वो काम करोगे तो वो काम तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट वर्क यू कैन डू, बेस्ट वर्क यू कैन डू। तो वही काम करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, लड़ाई कर रहे हो लड़ाई करो, अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी देखो, खेल रहे हो तो खेलो। वही काम जो आप कर रहे हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको आपको पूरी तरह से फोकस करके करना है। तो कोई काम जरूरी नहीं होता, तुम जो कर रहे हो वो सबसे जरूरी काम होता है, राइट? और सबसे जरूरी इंसान, सबसे जरूरी इंसान वो होता है जो आपके सामने है, उसको आप पूरा वैल्यू दो, पूरा इंपॉर्टेंस दो, उससे ज्यादा जरूरी इंसान कोई नहीं है। आप किसी से भी बात कर रहे हो तो वो इंसान को इंपॉर्टेंस दो, वो इंसान को वैल्यू दो, उसको महत्व दो, पूरी तरह से उसको रिस्पेक्ट देके बात करो। आप किसी से बात कर रहे हो यहां पे और किसी का कॉल आया, आप उसको छोड़ के कॉल पे बात कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान सोचेगा कि मेरा इसको कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस इंसान की तरफ ध्यान देना है। जैसे अब इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप। तो जो व्यक्ति सामने है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा करोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ने से तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम दुनिया जीत सकते हो। और इस जवाब से राजा संतुष्ट हो गया, उसको समझ में आ गया कि सबसे जरूरी समय होता है नाउ। कोई आपको पंचांग वगैरह निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नाउ इज द बेस्ट टाइम। कुछ भी करो अच्छा करने के लिए आपका समय अच्छा होता है। सबसे जरूरी काम जो आप कर रहे हो उसको शत प्रतिशत डिवोशन से करो। और तीसरा सबसे जरूरी इंसान जो भी आपके सामने है, फिर भले वो आपका नौकर हो, भले आपके मालिक हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, कोई भी हो, वही आपके लिए दुनिया में सबसे जरूरी है। और जो चीज, जो ये चीज इसको समझ में आ गई, उसने दुनिया जीत ली, और राजा भी खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चल जाता है, क्योंकि उसको उसके तीन सवालों के जवाब जो मिल गए थे। तो ये स्टोरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने स्टोरी सुनी ये तीनों चीजें फॉलो करता हूं। आप इतिहास बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा पूरे डिवोशन के साथ। समझ में आया? ये था अपने पूरे स्टोरी का समरी। अगले लेसन में हम लेसन थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। एक बार स्टोरी समझ में आ गई तो पढ़ना अपने लिए ज्यादा आसान जाएगा। ठीक है, चलो सी यू सून। जय हिंद।